अस्सलाम वालेकुम। ये ऑनलाइन वालों के लिए भी है सलाम, पहले हो गया था उनके लिए भी है। अच्छा, कल के लेक्चर में क्या सवाल है? कोई सवाल नहीं। हाँ, आप क्या बता रहे थे? मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पे मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है यानी डिसइक्विलिब्रियम है तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे। हाँ, शॉर्टेज और सरप्लस की दो सिचुएशन पड़ी थी, उसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी डिस्कस किया, फिर उसका टेबल देखा और फिर उसके डायग्राम बनाई। किसी को कोई कन्फ्यूज़न? वो जो दोस्त थे जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया था वो आज भी नहीं आए? आप सुन लिया था लेक्चर? शाबाश, ठीक है जी। बताया जी, फिर सप्लाई किया है? अब मुझसे पूछ रहे थे ना, आज मैं आपसे पूछूंगा जी। क्या होती है सप्लाई? आपके साथ वाला सुन रहा है, बेशक मुझे नहीं सुनाई दे रहा लेकिन साथ वाला सुन रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है, सुन ले लेक्चर, सुन ले दोबारा, सुन ले। इसमें कोई मुश्किल नहीं है? कोई मुश्किल था इसमें सप्लाई में? डिमांड का लेक्चर सुना है आपने? वो क्लियर है? तो बस तस्वीर का दूसरा रुक रह गया जी। कोई सवाल और? यार ऐसे नहीं हो सकता कि कोई सवाल ना हो जी। जाओ, ये कोई सवाल नहीं है। यस, एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत अहम है। आज का लेक्चर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो समझे आपने 100% इकोनॉमिक्स समझ ली। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस उठ के चले जाएं फिर, हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि आपने कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक्स को समझ लिया फिर, ठीक है। कॉन्सेप्ट और भी है, इसकी एक्सप्लेनेशन है सिर्फ। अभी जो आप चीज़ें सीख रहे हैं वो अधूरी चीज़ें हैं, वो चीज़ें अधूरी हैं। ये पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके बाद होगी, आप परेशान ना हो, आप ली नहीं है। जज़ाकअल्लाह सर। ये अधूरी है, ये बिल्कुल बेसिक है, ये इंट्रोडक्शन है, इसको हमने डिस्कस करना है आगे। ये जो भी आप यहाँ पे बातें हो रही है ना, ये आगे इसको डिटेल में हमने एक्सप्लेन करना है। एक एक चीज़ जो है वो आगे खुलेगी अब, ठीक है। जैसे भाई ने पूछा सर मार्केट क्या है, वो चैप्टर 4 पूरा हमारा मार्केट ही है, तो वो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर की तरफ चलें। आज का लेक्चर आपने समझ लिया, बस अटेंटिव रहना, आपने बैठे रहें, बस समझे जो मैं बोल रहा हूँ, और आपकी जो है वो पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। यानी मैंने पहले बताया था, टीचिंग जो है वो वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। मैं बताऊँगा, आपने अगर सीख लिया तो मुझे बता दें कि मैंने सीख लिया, और बताना कैसे? बस यस सर करके आपने बताना है। अगर नहीं समझ आई तो आप सवाल पूछेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आपको नहीं समझ आया, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व समझ लिया आपने? लेक्चर 2 डिमांड, उसके बाद हमने सीखा डिमांड कर्व, यानी लॉ ऑफ डिमांड में हमने डिमांड कर्व सीखा, फिर हमने सीखा सप्लाई, और फिर नेक्स्ट अगले में लॉ ऑफ सप्लाई। यानी दो कर्व आपने सीखे, एक को नाम दिया हमने डिमांड कर्व, दूसरे को सप्लाई कर्व। आज हम उसमें अगर कोई मूवमेंट या शिफ्ट अगर इसमें दोनों में पॉसिबल, पहले ये देखेंगे क्या पॉसिबल है या नहीं इन डिमांड कर्व। यानी इसका मतलब ये हुआ, क्या डिमांड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है? आपको पता है हो सकती है कैसे? सर कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से डिमांड कभी इंक्रीज होगी तो कभी डिक्रीज होगी। अच्छा, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये शिफ्ट हो रही है, किस वजह से? फैक्टर की वजह से, प्राइस की वजह से, क्योंकि आपने प्राइस अभी पढ़ा है और उसको हमने डिटेल में पढ़ा था, तो प्राइस की वजह से आपको पता है कि डिमांड चेंज हो सकती है। प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंज आ रही है उस चेंज को हम क्या कहेंगे, और अगर किसी और वजह से, किसी दूसरे फैक्टर की वजह से, नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से अगर डिमांड में चेंज आए तो उसको हम क्या नाम देंगे? दो बातें कौन सी है? प्राइस की वजह से अगर चेंज आ रही है डिमांड में तो इस चेंज इन डिमांड को हम क्या नाम देंगे,
और अगर नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से, अदर देन प्राइस की वजह से अगर कोई चेंज डिमांड में आ रही है तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? आपके सामने मैंने लिखा दो नाम है और सवाल भी आपके सामने दो रखे हैं। पहला सवाल कौन सा? प्राइस की वजह से चेंज। दूसरा सवाल क्या था? नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से चेंज। अब आपको नहीं पता कि प्राइस की वजह से इसको क्या नाम देंगे, और नॉन किसी एक को हम मूवमेंट कहेंगे, दूसरे को शिफ्ट। लेकिन इतना आसान नहीं है ये, इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या करना है, पहले इसको समझते हैं ऐसे। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के सारे असूल हम टेबल और डायग्राम से समझते हैं। लाइन सीधी नहीं लगती ना, इसलिए मैंने स्केल मंगवाया। इधर क्या लिखूं? प्राइस, और ये मैं लिख रहा हूं डिमांड। यस, मैंने दो दफा जानबूझ के डिमांड लिखा है। ये है प्राइस और ये डिमांड। ये आपको नजर तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना नजर? बस बिल्कुल ठीक है। प्राइस और डिमांड, प्राइस वन है तो डिमांड आपकी जिंदगी मैंने आसान बनाई थी। प्राइस वन तो डिमांड फाइव फोर थ्री टू, ये तो लव प्राइस नहीं है, नया गया इसमें, सॉरी लाफ डिमांड। ये लाफ डिमांड है ना, यहाँ से होती है कहानी शुरू। क्या डिमांड ये जो चेंज हुई है ये सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है? ये डिमांड क्या सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होती है? नहीं सर, अदर फैक्टर्स भी हैं, दूसरे डिटरमिनेंट्स भी हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है। आप देखेंगे पहले हमारी 10-15 क्लासेस सिर्फ डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई, इससे आगे मैं कोई बात भी नहीं करूँगा, बोर हो जाएंगे आप, उसके बाद फिर नई कहानी शुरू हो जाएगी। इसको मैं सिर्फ एक टर्म और ऐड करूंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर वही डिमांड की बातें। यस, छोड़े अब इलास्टिसिटी है ना, आगे ना जाए। इधर देखें, आंखें बंद करें, बंद करें आंखें, अब खोलें। अब ये डिमांड आपको नजर आ रहा? बिल्कुल ये डिमांड है। अच्छा मुझे बताएं, नॉन प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो सकती है? अभी जब आप क्लास से बाहर जाएंगे ना तो आप देखेंगे आसमान पे काले काले बादल छाए होंगे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी और हल्की हल्की रिमझिम भी होगी। आप अपने दोस्त से कहेंगे चलो समोसा खाने चलते हैं, ठीक है? और दोस्त से कहेंगे समोसे, वो आपको पता है हम खुद तो नहीं भर रहे, दोस्त को इसलिए तो लेके जा रहे हैं के पैसे वो भरे। ये हमने एग्जांपल लिया समोसे की, एग्जांपल है समोसे की। प्राइस वन है तो इसकी डिमांड, प्राइस टू है तो डिमांड, प्राइस थ्री है तो डिमांड, प्राइस फोर है तो डिमांड। ये इसकी प्राइस जैसे जैसे बढ़ी है उसकी डिमांड कम हो रही है, उसकी डिमांड कम हो रही है। लेकिन जब बारिश आई, मौसम अच्छा हुआ तो आपने डिमांड बढ़ा दी उसकी। आप अपने दोस्त से कहा चलो चलें समोसा खाने। अब जब आप समोसा खाने जा रहे हैं, समोसे की डिमांड क्या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। मुझे बताएं ये क्या प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ी है? क्या ये प्राइस की वजह से? प्राइस तो उतनी ही है। ये जो डिमांड बढ़ी है ये किस वजह से बढ़ी है? ये वेदर की वजह से, ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से डिमांड बढ़ी है। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बिफोर वेदर या क्लाइमेट चेंज? और इधर क्या लिखूंगा? आफ्टर क्लाइमेटिक चेंज। डिमांड पे फर्क आ रहा है ना, डिमांड डिमांड चेंज हो रही है ना।
अब प्रोपोर्शन को मुझे नहीं पता, मुझे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे आप इतना बता दें कि जो डिमांड अभी प्राइस 1 है, इस वक्त डिमांड 5 थी, लेकिन साथ में क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो डिमांड इतनी ही रहेगी, कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ के कितनी होगी, कितनी हो जाएगी? आप 10 लगाएंगे, अगला जो है वो 100 लगाएगा, मैं इधर करता हूँ आपकी ज़िंदगी फिर आसान बनाऊंगा, मैं आपकी उससे ज़्यादा करनी है ना, बढ़ानी है आपने डिमांड, तो बढ़ाया डिमांड मैंने, बढ़ा दी, बताएं यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी, बढ़ के कितनी होगी? 5, 4, 3, 2, मेरी बात पूरी होगी? चेंज के बाद जब क्लाइमेटिक चेंज आया, उसकी वजह से डिमांड चेंज हुई, चेंज होकर डिमांड बढ़ गई, आप देख सकते हैं। क्या ये टेबल याद करना मुश्किल है आपके लिए? लेकिन आपने याद नहीं करना, ये आपने याद नहीं करना, आपने सिर्फ दो टर्म्स याद करनी है, आखिर में मैं बताऊंगा। अभी मुझे बताइए, ये भी एक चेंज है डिमांड में, ये चेंज है ना, ये किस वजह से है? ये प्राइस की वजह से चेंज है। एक चेंज आपको और नजर आ रहा है, एक चेंज आपको और नजर आ रहा है, एक ये चेंज आपको आ रहा है नजर, ये भी चेंज है ना, ये चेंज किस वजह से है? नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से, नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से। ये है प्राइस की वजह से चेंज, और ये जो चेंज है ये नॉन प्राइस की वजह से। और नॉन प्राइस आपको कोई पता है, कोई एक एग्जांपल हमने लिया, क्लाइमेटिक चेंज, टेस्ट या प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, और नॉन प्राइस में कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल लिया क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल चेंजेस। आप कोई दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं, शाबाश जी, यस यू, कोई एग्जांपल और, कोई नॉन प्राइस डिटरमिनेंट बता दें सर, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, ऐसे पॉसिबल है ना? वो जो डिमांड का बढ़ना है क्या वो प्राइस की वजह से है? नहीं, वो तो इनकम की वजह से है। नंबर ऑफ बायर्स अगर बढ़ जाए तो क्या वो प्राइस की वजह से है? नहीं, अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल, एक्सेप्शन है ना उसकी। बताएं जी, ये जो चेंज है ये किस वजह से है? प्राइस की वजह से। और अगर प्राइस की वजह से चेंज आए, तो दो सवाल मैंने आपसे पूछे थे शुरू में, कि एक चेंज है प्राइस की वजह से, और दूसरी चेंज है नॉन प्राइस की वजह से। जो प्राइस की वजह से चेंज है, इसको हम नाम देते हैं मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। क्या नाम देते हैं इसको? मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। और अगर ये चेंज हो अदर देन प्राइस की वजह से, यानी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम इकोनॉमिस्ट नाम देते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब सारी एक्सप्लेनेशन को छोड़ें, दो हरफी बात बता दें, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व किसे कहते हैं? सर, जो चेंज डिमांड कर्व में अगर कोई भी चेंज आए ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इसको हम नाम देंगे मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व किसे कहते हैं? चेंज इन नॉन प्राइस डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड ड्यू टू नॉन प्राइस डिटरमिनेंट, इसको हम क्या नाम देते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये हमने अपनी आसानी के लिए दो नाम रखे हैं, आपको भी पता है ये भी चेंज है, ये भी चेंज है और डिमांड में, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसमें दो नाम रखे हैं इसके, एक को हम नाम देते हैं मूवमेंट और दूसरे को शिफ्ट। यस, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिमांड बढ़ा दूं मैं? ठीक है, डिमांड बढ़ के 5 और आगे बताएं 4, यहाँ तक भी बात समझ आ रही है? कैसे डिमांड तो कम हो गई, कैसे कम हो सकती है डिमांड? डिमांड कैसे कम हो सकती है? आपने तो डिमांड बढ़ानी है। हाँ, अगर आप चेंज करना चाहें ना, चेंज करना चाहें, आप कहें सर ये 2 दिन की डिमांड थी जब मौसम अच्छा था, फिर ऐसे हुआ कि मौसम चेंज हो गया,
शदीद गर्मी आ गई, उस वक्त डिमांड कम हो जाएगी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने इंक्रीज के साथ बताया ना आपको, आप डिक्रीज के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते, लेकिन कुछ समझाना था ना, अब जब आप नेक्स्ट अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना, तो ये सारे का सारा उसमें समअप हो जाएगा, उसमें मैं बताऊंगा फिर। ठीक है, आपका सवाल अच्छा था, लेकिन इट वॉज टू अर्ली। जी, इसका जवाब अभी देना है मैंने, डिटेल में डिटेल। जी, यहाँ तक कोई सवाल समझ आ गया? कोई और एग्जांपल दे दूँ? शाबाश, बिल्कुल ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं। शाबाश, इनकम के साथ ले लेते हैं एग्जांपल, इनकम के साथ इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये अब एग्जांपल हो जाएगी पिज्जा। जब इसकी प्राइस थी 1, अब ये ना कहिए सर प्राइस 1, मैं 100 साल पहले की बात करूं अब, ठीक है। जब प्राइस वन तो उस वक्त डिमांड, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे आपके दोस्त को पता चलता है कि आपको 50 रुपए मिला, आपका दोस्त कहता है 200 रुपए का पिज्जा खिलाओ मुझे, होता है ऐसे कि नहीं होता? आपकी इनकम बढ़ी, आप अपने खुद से भी आप जाते हैं कि अब मेरी इनकम बढ़ गई है, तो मैं वही चीज जो आपको ज्यादा पसंद है आप उसको ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। मुझे बताएं, प्राइस तो उतनी है लेकिन कंजम्पशन किस वजह से बढ़ी है? इनकम की वजह से बढ़ी है। ये तो इंक्रीज इन इनकम था, चलो डिक्रीज इन इनकम के साथ देखते हैं। इनकम कम हो गई, आप पहले 1 रुपया इसकी प्राइस थी, तो आप 5 पिज्जा, फॉर एग्जाम्पल 5 पिज्जा कंज्यूम कर रहे थे, 5 पिज्जा कंज्यूम कर रहे थे, आपकी इनकम कम हो गई, अब चार नहीं करेंगे। अब क्या ऐसे होगा कि 1 रुपया देंगे और 4 हो जाएगी डिमांड? वो 4 पिज्जा में देगा, वो क्या करेगा? मैं खरीदूंगा ही नहीं, खरीदूंगा नहीं तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये भी पॉसिबल है कि यहां पे 0 आ जाए, तो डिमांड क्या होगी? कम होगी ना, डिमांड कम होगी। चलें, प्राइस है 3, उस वक्त आप डिमांड कर रहे थे 3 पिज्जा, प्राइस 3 है तो उस वक्त आप डिमांड कर रहे थे 3 पिज्जा, लेकिन आपकी इनकम कम हो गई, अब आपकी डिमांड यहां पे 2 हो जाएगी। 2 भी हो सकती है लेकिन 3 से कम होगी, 3 से कम होगी ना, तो ये ऐसे है। ठीक है, और कोई एग्जांपल? आगे चले, समझ आ गया ना? ये आ गई समझ? नहीं आई ना? नहीं आई समझ? आपको ऐसे कैसे समझ आ गए इतनी जल्दी? ग्राफ तो बने नहीं, डायग्राम जब तक आप नहीं ड्रॉ करेंगे आपको समझ कैसे आएगी? क्या लिखूं इधर? अब आपका इम्तिहान है, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई नहीं लिख सकते इधर? क्यों सर, सिर्फ डिमांड ही पढ़ा रहे तो डिमांड ही लिखे ना यहाँ पे, और इधर? वन टू थ्री फोर, यहाँ ये 1, 6 तक क्यों ड्रॉ किया मैंने? डिमांड है ना सर, ये डिमांड तो ये भी है और ये आगे जा रही है 6 तक। वो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप घर में कर लीजिएगा। जी बताएं, जब प्राइस वन है तो डिमांड है, कौन सा कर रहे हैं आप? बिफोर कर रहे हैं, आफ्टर क्लाइमेटिक चेंज कर रहे हैं, कौन सा मुझे बता रहे हैं? चलें बिफोर बता दें फिर, दोनों करेंगे लेकिन पहले तो एक करना पड़ेगा। जी, जब प्राइस वन है तो
डिमांड है, डिमांड फाइव है ना, और जब प्राइस टू है तो डिमांड four. मैं सोच रहा था इससे हेल्प हो जाएगी, और जब प्राइस थ्री है डिमांड भी थ्री, डिमांड सॉरी प्राइस फोर, एंड प्राइस फाइव, तो क्या करूं? ठीक है यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? नो परेशानी। इसको मैं नाम दूंगा डी नॉट, डी नॉट, डी नॉट इसलिए लिख रहा हूं आपके भी हमने दूसरे डिमांड का भी ड्रॉ करनी है ना, एक दूसरा कर भी आना है यहाँ पे। आपके जैसे दो दोस्त होते हैं, दोनों का नाम सेम हो तो थोड़ा सा एक का नाम चेंज कर देते हैं, ये ना हो आप एक को बुलाएं दूसरा आ जाए जी। अब क्या करना है, अब क्या करना है? वैसे हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही है जी। अच्छा डिमांड अब देखना है हमने, आफ्टर क्लाइमेटिक चेंज, बिल्कुल ठीक है। बताएं जब प्राइस वन है तो डिमांड छः, छः है ना, तो ये ले जब प्राइस टू है तो डिमांड, प्राइस थ्री डिमांड फोर, और जब प्राइस फोर है तो डिमांड है थ्री। एंड प्राइस फाइव डिमांड टू। अब करवाएं जी, शाबाश। एक और कर बनेगा, नाम दिया मैंने डी वन, चल अब इसको करते हैं साफ। ये क्या किया हमने, दो कर्व ड्रॉ किए हैं, पहला कर्व कौन सा है डिमांड का, दूसरा कर्व कौन सा है सर्वो भी डिमांड का है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया डी नॉट से, और यह है डी वन। अज्यूमिंग मैं इधर लिख रहा हूँ ए बी सी पॉइंट है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं जा रहा हूं पॉइंट बी से पॉइंट सी पे, पॉइंट बी से क्या हूं पॉइंट सी की तरफ, ये क्या हुआ? ये शिफ्ट मैं नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं डिमांड कम हुई है बड़ी है, डिस्टेंस बिल्कुल कवर किया, लेकिन ये डिस्टेंस जो कवर किया इसने, ये मुझे बताया कि डिमांड कम हुई है डिमांड बढ़ गई है, कम हो गई डिमांड, डिमांड कम हुई, किस वजह से कम हुई है डिमांड, प्राइस की वजह से। आपने कैसे देखा, आपको कैसे पता चला, ग्राफ से? हाँ सर ये देखें, प्राइस पहले टू थी, अब प्राइस क्या होगी थ्री, और आपने बताया था कि प्राइस जब बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। और चलें फिर ये बता दें, ये बताएं क्या हुआ, ये डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ी है, कैसे बढ़ी है ये,
सर जब प्राइस कम हुई है तो डिमांड बढ़ी है, सर जब प्राइस कम हुई है तो डिमांड बढ़ी है, सर जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, सर जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और जब प्राइस कम होगी तो डिमांड। और इसको नाम क्या दिया था? इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट कहते हैं जब सेम डिमांड कर्व के ऊपर, एक ही डिमांड कर्व के ऊपर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, इसको नाम क्या दिया, क्या नाम देना हमने? मूवमेंट। अब डेफिनेशन पूरी हो गई। एक ही डिमांड कर्व के ऊपर रहकर अगर आपने एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना है, मैं शिफ्ट नहीं कर रहा, इसको मैं शिफ्ट नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने, अगर आपने मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, इसको हम नाम देंगे मूवमेंट। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? एक ही कर्व के, सेम कर्व के ऊपर रह के। आप पॉइंट एच से पॉइंट आई की तरफ जा रहे हैं, क्या किया आपने? डिमांड बढ़ाई है आपने, डिमांड बढ़ाई है ना आपने। ये देखें, डिमांड पहले चार थी अब पांच हो गई, पहले डिमांड चार थी अब पांच हो गई। ये कैसे हुई है डिमांड इंक्रीज? प्राइस की वजह से। ये नॉन प्राइस की वजह से है, नॉन प्राइस की वजह से। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, सर जब प्राइस थ्री है उस वक्त डिमांड है फोर, अब प्राइस टू हो गई तो ये डिमांड है फाइव। सर ये नॉन प्राइस की वजह से है, ये नॉन प्राइस की वजह से है। अच्छा, मैं दूसरे डिमांड की तरफ के ऊपर गया हूं तो आप कह रहे हैं कि ये नॉन प्राइस की वजह से होगा? नहीं, बस यही मैंने आपका क्लियर करना था कि एक कर्व के ऊपर रह के मैं मूव कर रहा हूं, सेम कर्व के ऊपर रह के मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, तो इसी को तो हमने नाम दिया था मूवमेंट। तो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट अभी भी ये मूवमेंट है। अगर मैं पॉइंट जी से एफ पे जा रहा हूं, अगर जी से जे पे, जे तक जा रहा हूं, अगर डी से जी पे जा रहा हूं, ये है शिफ्ट, ये है शिफ्ट। अब ये शिफ्ट कैसे है मैं बताता हूं। पहले प्राइस थी फोर, अब प्राइस फोर पे डिमांड टू है, मौसम अच्छा हुआ तो मौसम अच्छा हुआ, प्राइस टू पे डिमांड फोर है, तो मौसम के बाद डिमांड कितनी है? प्राइस क्या थी, सॉरी हमने प्राइस फोर ली, प्राइस हमने फोर लिया, प्राइस फोर है तो डिमांड टू। जब मौसम अच्छा हो गया, प्राइस वही है, प्राइस सेम है, लेकिन डिमांड चेंज हो गई, डिमांड चेंज हो गई, डिमांड चेंज हो गई, डिमांड चेंज हो गई। ये देख रहे हैं डिमांड चेंज, एक ये डिमांड है और एक ये डिमांड है। ये डिमांड किस वजह से है? प्राइस की वजह। ये डिमांड नॉन प्राइस की वजह से है ना, ये क्लाइमेटिक चेंज नॉन प्राइस की वजह से। जब आप एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे, या एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व की तरफ जाएंगे, इसको हम नाम देंगे शिफ्ट एंड डिमांड कर्व। एक डिमांड कर्व पे हैं आप, उसको छोड़ रहे हैं, आप एक न्यू डिमांड कर्व क्रिएट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं आप, इसको हम नाम देते हैं शिफ्ट एंड डिमांड कर्व। कुछ कुछ समझ आया? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो बताएं जी, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का क्या मतलब है? सेम कर्व के ऊपर रह के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, ये है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व, यानी एंटायरली न्यू डिमांड कर्व का क्रिएट होना, इसको हम क्या नाम देते हैं? शिफ्ट एंड डिमांड कर्व। मोमेंट लॉन्ग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट एंड एंड डिमांड कर्व। क्लियर? यहाँ तक कोई मुश्किल? चलें देखें और रीड करें लर्निंग ऑब्जेक्टिव को। शिफ्टिंग का सर हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे हमारी डिमांड बढ़ गई, उससे डिमांड प्राइस चेंज नहीं हुई। यानी हमने लेक्चर टू में ये देखना था कि डिमांड चेंज हो रही है, ये किस वजह से चेंज हो रही है, हमने ये देखा था ना डिटर्मिनेंट्स में। अब क्या डिमांड जो है वो सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होती है? नहीं, नॉन प्राइस और नॉन प्राइस की वजह से कैसे डिमांड चेंज होती है वो भी हमने देख लिया।
ये मूवमेंट और शिफ्ट हमने नाम दिए, वैसे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए दो नाम रखे हैं। लोकेशन पे क्या डिटरमिनेंट्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फिर कैसे? वो लोकेशन की वजह से हमने एग्जांपल देख दी है कि अगर आप जो है वो इचरा बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, उसके डिमांड या उसकी प्राइस कुछ और होगी, लेकिन जब आप एमएम आलम से कोई चीज़ परचेज करते हैं, आप सेम एग्जांपल ले लें, आप बाहर या क्रिसेंट से कोई चीज़ परचेज करें और बाहर जाएं, वो इनकम के लिहाज से एग्जाम्पल दी थी। नहीं नहीं वो तो मैंने इधर दूसरे में एग्जाम्पल दी थी, सप्लाई में। चलिए ये एग्जांपल आप क्लास के बाद डिस्कस कर लीजिए, मैं क्लास के बाद आपको, क्योंकि ये पूरी क्लास की एग्जांपल नहीं है। अब आ रहा है नजर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इसको कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सर व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे आप देखेंगे चेंज इन डिमांड, दोनों में क्या फ़र्क है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या फ़र्क है? नहीं नहीं क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या फ़र्क है, चलिए इतना बता दें, क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में क्या फ़र्क है? दोनों सेम चीज़ है, तो फिर बता दें। चलें सर, आपको नहीं लगता ये ब्रॉडर टर्म है? ये ज़्यादा ब्रॉड ऐसे है कि इसमें प्राइस का इफेक्ट भी आ रहा है और नॉन प्राइस का इफेक्ट भी आ रहा है, बल्कि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ प्राइस है। और ये टर्म क्वांटिटी जो इसके साथ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, इसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, ये इंटायर डिमांड चेंज हो रही है। क्वांटिटी का मतलब यह है, पहले आप 10 आईफोन खरीद रहे थे, आप 5 आईफोन खरीद रहे हैं, क्वांटिटी कम हुई है, लेकिन आईफोन पूरे मार्केट की डिमांड जो है वो चेंज हुई है, क्योंकि प्राइस का इफेक्ट तो सिर्फ आपके लिए होगा ना, प्राइस का इफेक्ट सिर्फ आपके लिए होगा, लेकिन जब वेदर कंडीशन इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी तो ये सबके लिए है, सबके लिए चेंज है, तो आप भी जाएंगे, आपका दोस्त भी जाएगा समोसा खाने। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मूवमेंट। इट मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। सेम को अंडरलाइन करें, ऊपर वाली लाइन में आप ओन प्राइस को अंडरलाइन करेंगे। ये आपने अंडरलाइन किया ओन प्राइस, जब आप शिफ्ट में आएंगे तो आप अंडरलाइन करें, आपने अंडरलाइन किया होगा नॉन प्राइस डिटरमिनेंट, चेंज इन नॉन प्राइस डिटरमिनेंट, ये प्राइस की वजह से, ये नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से ऑफ डिमांड इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड। इट मींस शिफ्ट ऑफ एंटायर डिमांड कर्व, अ न्यू डिमांड कर्व इज क्रिएटेड, न्यू डिमांड कर्व इज क्रिएटेड। मुझे बताएं यहां पे क्या न्यू डिमांड कर्व क्रिएट नहीं हुआ? इधर भी देख सकते हैं आप, राइटवर्ड शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, हमने कौन सा किया, राइटवर्ड शिफ्ट। अगर ये बैड वेदर कंडीशन हो तो ये डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जब डिमांड कम होगी तो डिमांड का विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ठीक है, लेकिन जब कोई कहेगा ना राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, आपने कहना है इसको राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं कहते, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, आपने इसको बताना है। इसको नाम देते हैं राइज इन डिमांड कर्व और फॉल इन डिमांड कर्व, ठीक है। सो इसके बाद आपने भी ये टर्म यूज नहीं करनी, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। हाँ जब आप करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप कहना क्या चाहते हैं। मूवमेंट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व,
एक्सटेंशन एंड डिमांड क्या मतलब? डिमांड इंक्रीज. कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड क्या मतलब? डिमांड डिक्रीज. अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं पॉइंट जे से पॉइंट एफ पे जा रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. क्यों? डिमांड कब जो है वो एक्सपेंड नहीं हो रही. अच्छा, डिमांड जो है वो तो कम हो रही है ना, डिमांड तो कम हो रही है, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड. और अगर मैं पॉइंट डी से पॉइंट ए पे आ रहा हूँ, ये है एक्सटेंशन एंड डिमांड. एक्सटेंशन एंड डिमांड नीचे वो फॉल है, वो फॉल है, राइज एंड फॉल इन डिमांड कर्व. क्लियर यहाँ तक? अभी नहीं, अभी नहीं, एमसीक्यूज भी नहीं करने, एमसीक्यूज नहीं करने. अभी तो कहानी शुरू हुई है. यस, अभी तो कहानी शुरू होती है. इजाजत है? इजाजत है? आपका दोस्त कितना खुश नसीब है, आपका दोस्त. नहीं नहीं आपके साथ बैठा हुआ है, आप दिन रात पढ़ते हैं, आपको देख के वो भी पढ़ने लगा है, मोटिवेशन है. आप लाइट्स ऑन की जाए. अब हम क्या करने लगे हैं? नहीं पढ़ता आपका दोस्त? उसे दोस्ती क्यों रखे हैं आपने? फिर पढ़ने वाला चेंज करें ना फिर दोस्त. चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम. सर सप्लाई तो आपने पढ़ाया नहीं, कर लेंगे खुद. मूवमेंट एंड शिफ्ट एंड सप्लाई कर. नहीं, डिमांड को समझ लिया ना, जैसे लॉ ऑफ डिमांड समझा, लॉ ऑफ सप्लाई खुद ही हो गया. खुद तो नहीं होता, खैर पूरा एक घंटा आप लोगों ने मेरे लगवाया, लेकिन अब इतने बड़े हो गए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइस वन है, सप्लाई फाइव, ठीक है ना? हाँ, वन. ये है सप्लाई. प्राइस टू है तो? प्राइस थ्री. जब आपने डिमांड बढ़ाई थी समोसे की, तो क्या सप्लायर घर चला जाएगा? नहीं, सप्लायर क्या करेगा, घर जाके उसकी सप्लाई बढ़ा देगा. ये है बिफोर योर डिमांड, बिफोर चेंज, बिफोर चेंज. और सप्लाई आफ्टर चेंज बताइए. शाबाजी, आफ्टर चेंज बताए. क्या लिखूं? फोर फोर फाइव और फाइव जी, टू थ्री फोर फाइव. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. आप तो नहीं कर सकते थे ये. चलें करवाएं, ड्रॉ करवाएं. शाबाश, शाबाश करवाएं, ड्रॉ करवाएं. पहला इधर लिखूं, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, क्वांटिटी सप्लाइड सर. और यहाँ पे प्राइस. पहला डिमांड कब कैसे बनेगा? पहला सप्लाई कब कैसे बनेगा? एस नॉट. अब मेरा आपसे सवाल है, दूसरा सप्लाई कर्व किस साइड पे बनेगा? राइट साइड पे ऐसे. लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड. क्वांटिटी वाली साइड पे क्यों? क्वांटिटी वाली साइड पे क्यों बनेगा? सप्लाई बढ़ रही है, जब सप्लाई बढ़ती है तो किस तरफ मूव करती है? मूव, मैंने कहा किस तरफ करती है, मूव अलोंग होगी, मूवमेंट अलोंग होती है. ये शिफ्ट है S1. देखा आपने, इंटायरली एक न्यू सप्लाई कर्व हमने ड्रॉ किया. ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम क्या नाम देंगे? और ये क्या है,
ये किस वजह से है? और ये जो सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई में इंक्रीज है, ये किस वजह से है? नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से। मुश्किल था ना बहुत। और ये राइट वर्ड है, राइट वर्ड है ना, ये लेफ्ट वर्ड है, ये राइट। और इस तरफ अगर करूं तो, और इंक्रीज अगर हो तो राइट, इंक्रीज अगर हो तो राइट, और डिक्रीज हो तो चले आपको इजाजत है आप राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड कह सकते हैं अभी फिलहाल। मेरी मर्जी मेरी क्लास। अगर तो सप्लाई कम हो जाए, इस तरफ अगर प्राइस ज्यादा हो जाए, राइट वर्ड प्राइस ज्यादा हो जाए, राइट वर्ड क्यों प्राइस ज्यादा हो जाए, प्राइस लेफ्ट वर्ड, फिर प्राइस ज्यादा हो रही है, प्राइस ज्यादा हो रही है, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड? राइट वर्ड ही, शाबाश। अगली अटेम्प्ट, राइट वर्ड। प्राइस ज्यादा हो रही है मेरे भाई, प्राइस डिटरमिनेंट है, प्राइस की वजह से सिर्फ मूवमेंट होती है मेरा भाई, प्राइस की वजह से सिर्फ मूवमेंट होती है, ये है मूवमेंट। प्राइस ज्यादा हो रही है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ये ना राइट वर्ड ना लेफ्ट वर्ड, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल, इनकम ऑफ कंज्यूमर, हाँ बिल्कुल शिफ्ट करेगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर, अभी एग्जांपल हमने देखी है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएगा, जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई को पूरा करना है तो राइट वर्ड। इनकम ऑफ प्रोड्यूसर, ये सीधी आंखों में जाएगी ना, इनकम ऑफ प्रोड्यूसर, कोई लेना देना नहीं, शाबाश बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, ये राइट वर्ड है और ये लेफ्ट वर्ड, यही बता रहा हूँ आपको कि डिमांड कभी बढ़ेगी कभी, सचमुच समझ नहीं आया ये? नहीं नहीं समझ आया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, डिमांड कब समझ आ गया, डिमांड कब समझ आ गया? जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं क्लास से बाहर नहीं जाऊंगा। ये क्या प्राइस है, ये है सप्लाई बिफोर चेंज, यानी इसमें चेंज है, इसमें चेंज नहीं है। प्राइस 1, 2, 3, 4 जी शाबाश, सप्लाई बताएं 1, 2, 3, 4, 5 चेंज के बाद, क्लाइमेटिक चेंज के बाद जब इसकी डिमांड बढ़ेगी, जब इसकी समोसे की डिमांड बढ़ेगी, मुझे बताएं प्रोड्यूसर चुप करके बैठा रहेगा, क्या करेगा वो कि मुझे, ठीक है। दूसरा सवाल, क्या सप्लाई कम होगी उतनी रहेगी, ज्यादा हो जाएगी? सप्लाई बढ़ेगी, बढ़ के कितनी हो जाएगी? हाँ एक से ज्यादा होगी, एक से ज्यादा होगी, ठीक, कोई मसला कोई परेशानी? इधर आ जाए फिर, यह है क्वांटिटी सप्लाइड, यह है प्राइस 1, 2, 3, 4, 5 तक क्यों सप्लाई सर 6 तक आ रही है, जब प्राइस 1 है तो सप्लाई
जब राइज टू है तो और प्राइस थ्री प्राइस फोर प्राइस फाइव इट्स नॉट ये कौन सा मैंने बनाया कर बिफोर चेंज ये नजर आ रहा है आपको। लेकिन क्लाइमेटिक चेंज के बाद जब उसने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी सप्लाई बढ़ा दी क्या उसने प्राइस को देख के बढ़ाई है ये किस वजह से? हाँ डिमांड। और डिमांड किस वजह से चेंज हुई थी? चलें आप कहते हैं सर वो तो डिमांड में था वेदर कंडीशन, सप्लाई में तो नहीं है। ऐसा ही है ना, सप्लाई का कोई और डिटरमिनेंट तो बताएं अदर देन प्राइस। इनकम ना कहिएगा, इनकम ऑफ प्रोड्यूसर नहीं, कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम हो रही है? चले मैं कहता हूँ कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम होगी तो क्या बढ़ रही है सप्लाई? बिल्कुल मैंने सप्लाई बढ़ा दी। एग्जाम्पल ऐसी थी कि जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दी थी। प्राइस वन है तो सप्लाई, प्राइस वन है सप्लाई क्या होगी टू, ये आएगी ना सप्लाई। प्राइस टू, प्राइस टू सप्लाई थ्री, प्राइस थ्री सप्लाई फोर है, ये है फोर, प्राइस फोर प्राइस फाइव अब क्या करूं? एस वन ठीक है, ये दो सप्लाई कर्व क्यों आ गए? एक जो है वो किस वजह से है? प्राइस की वजह से है, और दूसरा सप्लाई कर्व नॉन प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से अगर चेंज हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मूवमेंट। और अगर नॉन प्राइस की वजह से चेंज आए उसमें तो ठीक है, मैं पॉइंट ए से जा रहा हूँ पॉइंट बी पे, मुझे आप बता सकते हैं कि ये क्या हुआ है? ये हुई है मूवमेंट, और मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। और अगर मैं पॉइंट वाई से आ रहा हूँ पॉइंट जी पे, ये क्या, ये भी मूवमेंट है, ये भी मूवमेंट है, क्योंकि मैं सेम सप्लाई कर्व के ऊपर हूँ अभी। इसको भी मैं नाम दूंगा, लेकिन अगर मैं पॉइंट सी से पॉइंट डी पे आऊँगा तो ये देखें ये सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई कर्व, एक न्यू सप्लाई कर्व आ रहा है यहाँ पे। इसको मैं नाम दूंगा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। और अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट एफ पे आ रहे हैं, ये भी शिफ्ट है, इसको भी आप नाम देते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। कोई मुश्किल? अच्छा मुझे ये बता सकते हैं ये शिफ्ट है राइटवर्ड है लेफ्टवर्ड है? राइटवर्ड शिफ्ट है। ये राइटवर्ड शिफ्ट कब पॉसिबल हुआ? जब सप्लाई बढ़ गई, यानी इसका मतलब ये हुआ जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई विल शिफ्ट राइटवर्ड, और जब सप्लाई कम होगी तो लेफ्टवर्ड। मुझे बताएं प्राइस जो है वो 10 से 15 हो गई, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? सर ये तो मूवमेंट है, ये प्राइस की वजह से है, ये तो मूवमेंट है। ठीक है, सप्लाई करती 15, सॉरी सप्लाई पहले थी 15, अब क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 20, तो राइटवर्ड शिफ्ट है लेफ्टवर्ड शिफ्ट है? राइटवर्ड है लेफ्टवर्ड है? राइटवर्ड हाथ उठाए, राइटवर्ड शिफ्ट है लेफ्टवर्ड? क्वांटिटी सप्लाइड है ही मेरा भाई, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब ये है कि मूवमेंट है। अभी आपने नहीं देखा ये क्वांटिटी सप्लाइड, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सर ठीक है सर, इजी सर, कोई नहीं, इनको सिर्फ शर्म आए। ये क्या लिखा हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड। मैं अगर सप्लाई पढ़ा रहा हूँ तो इधर क्या आना चाहिए? क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड आएगा ना।
तो अगर क्वांटिटी सप्लाई की बात हो रही हो तो इसका मतलब यह है मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, मूवमेंट बताएं जी, इंक्रीज या डिक्रीज, मूवमेंट जो है वो ऊपर होगी नीचे होगी। कॉस्ट ऑफ इनपुट है, कॉस्ट ऑफ इनपुट पहले आपने डिसाइड ये करना है क्या ये प्राइस डिटरमिनेंट है नॉन प्राइस डिटरमिनेंट है। नॉन प्राइस है तो मूवमेंट तो भूल जाए, मूवमेंट तो भूल ही जाए, क्या करना है शिफ्ट करना है इसको, शिफ्ट करना है। कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज, कॉस्ट इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज, तो सप्लाई डिक्रीज तो लेफ्ट वर्ड, शाबाश ये ओके। प्राइस तो नहीं इंक्रीज होगी, इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी तो सप्लाई कम होगी, रिटायरमेंट्स में पढ़ा था हमने, मैंने ऐसे बोला है कि प्राइस इंक्रीज होगी। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, हाँ नहीं आई बात समझ। कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ इनपुट का मतलब आज एमसीक्यू भी था एक, की इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था एक था ऐसे, हाँ वो जिसमें ब्रेड के लिए फ्लोर जो है वो की इंग्रेडिएंट्स है, इसका मतलब ये उसके लिए रॉ मटेरियल है, इसका मतलब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जब बढ़ेगी तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। यकीनन गलत किया होगा, गलती से ठीक हो गया, ठीक है हाँ, ऐसे सोचना है आपने, ये आसान है इंशाल्लाह, ये हफ्ते में जो है वो आप बिल्कुल इसको बगैर सोचे भी कर सकेंगे, ठीक है। अभी शुरू शुरू में मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि आपके लिए एक नई चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आ गई। बाकी इसको मजीद मैंने जो है वो सारा पढ़ाना था आगे, चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, ये चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम नई चीज़ कोई नहीं है, बस ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है, इसको राइट वर्ड करना है, इसको लेफ्ट वर्ड करना है, डिमांड को करना है, सप्लाई को करना है, कल कर लेंगे इंशाल्लाह इसको, ठीक है जी। किसी का कोई सवाल, नोट्स में ये डायग्राम अगर नहीं है तो बना लें, इसीलिए तो मैं आया हूँ जी। कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है। ग्राफ पूछना है उसमें सवाल, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछूं, इतने सवाल पूछे आपने कोई जवाब दिया, सारे गलत जवाब दिए। चलें प्रैक्टिस करें इसको इंशाल्लाह, कल इसको दोबारा जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर ये क्लियर हो जाएगा अगर कोई कमी बेशी इसमें है तो, ठीक है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।